कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री का होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है लेट दी कॉम्प्लीमेंट मेजर ऑफ, लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, बस आप लिखते हैं यहाँ पर एक्स प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 एंड 8 आया, 8 में से 3 का कितना हो गया 55 डिग्री। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट में आप लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री, देन एक्स प्लस 47 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ प्लस है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ये 43 डिग्री का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आपके पास 60 डिग्री, तो लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री, देन एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90। एक्स 90 प्लस 60 इधर आएगा तो माइनस 60 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर भी सेम ऐसे करेंगे, लेट इट्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंगल बी इक्वल टू एक्स, देन एक्स प्लस 73 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन 90 माइनस 73, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 8 माइनस 7 एक्स इज इक्वल टू 17 डिग्री। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट किया वो आपने इस तरह से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आपके पास फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल। सप्लीमेंट एंगल उसे कहते हैं जिसका सम 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में क्या है, 80 डिग्री गिवेन है, यहाँ पर लिखेंगे लेट इट्स सप्लीमेंट एंगल बी सप्लीमेंट एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री, देन एक्स प्लस 80 डिग्री और सम होता है 180। एक्स इज इक्वल टू 180, यहाँ से जाएगा तो ये 80 माइनस में जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 100 डिग्री। जो सप्लीमेंट आएगा 80 डिग्री का वो 100 डिग्री हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप करेंगे लेट द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री, इसका एक्स डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180, देन 180 से 54 माइनस कर लो, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 126 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 105 डिग्री, लेट इट्स सप्लीमेंट एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री, देन एक्स प्लस 105 इज इक्वल टू 180, 180 एंड 105, 10 माइनस 5 7 एंड यहाँ पर आएगा 75 डिग्री। ये एंगल कितने होगा, 75 डिग्री का। अब फिर यहाँ पर आपने लेट किया, लेट इट्स सप्लीमेंट एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री, देन एक्स प्लस 123 इज इक्वल टू 180। भाई यहाँ पर दोनों सम, जब सप्लीमेंट का जो सम होता है 180 डिग्री का होता है, आपने यहाँ पर किया
180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। अब 10 से 3 गया 7, 7 से 2 गया 5, 1 से 1 गया कुछ नहीं, यहाँ पर कितना जाएगा 57 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।